वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9:3/8 आवर। कहता है कि दो टैप है अगर एक साथ चलता है तो किसी टैंक को भरने में इतना समय लगता है। अब उसमें आगे क्या कहा जा रहा है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जिस टैप का डायमीटर बड़ा है यानी जो टैप ज्यादा पानी दे रहा है उसको टैंक के भरने में जो छोटे डायमीटर कम डायमीटर वाले टैप है उससे 10 आवर लेस कम टाइम लग रहा है। तो बताएं कि उसी टैंक को भरने में दोनों टैप को अलग अलग टाइम क्या लगेगा। सपोज यह टैंक है और इसमें एक जो है छोटी डायमीटर वाली टैप खुल रहा है और एक बड़ी डायमीटर वाला टैप खुल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जिस टैप का डायमीटर ज्यादा होगा वह टैंक को जल्दी भरेगा और जिस टैप का डायमीटर कम होगा वह उसे टैंक को भरने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि इससे पानी ज्यादा मात्रा में गिरेगा और इससे पानी कम मात्रा में गिरेगा। तो क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया हुआ है कि जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है उसे स्मॉलर डायमीटर वाले टैप को से 10 घंटा कम समय लगता है और जब दोनों एक साथ चलता है तो इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगता है, 9/8 लगता है। तो कहता है इसी टैंक को यदि केवल स्मॉलर टैप से भरना हो तब कितना टाइम लगेगा और यदि इसी टैंक को केवल लार्जर डायमीटर वाले टैप से भरना हो तब कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन है। तो अब इसे हम थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है उसे इस टैंक को भरने में 1 आवर लगता है, कितना लगता है 1 आवर लगता है। तो इसे नोट डाउन करते हैं, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, तो स्मॉलर के लिए क्या लग रहा है 1 आवर लग रहा है, हमने क्या मान लिया 1 आवर मान लिया कि स्मॉलर डायमीटर वाले जो टैप है उसे इस नल टैंक को भरने में कितना टाइम लग रहा है 1 आवर लग रहा है। इसलिए टाइम टेकन बाय लार्जर टैप यानी जो चौड़ी डायमीटर वाला है नल उसे क्या लगेगा, वो क्वेश्चन में जो कह रहा है डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस, क्या कहता है 10 आवर लेस यानी यहां जो टाइम होगा x माइनस 10 आवर। और क्वेश्चन के फर्स्ट सेंटेंस में यह कहा गया है कि टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल इन टैंक कितना, और कह रहा है कि यदि दोनों टैप साथ में चलता हो तो इस टैंक को भरने में जो कुल समय लगेगा कितना लगेगा 9:3/8 आवर। इसलिए यह भी लिख लीजिए टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टुगेदर, जब दोनों नल एक साथ चलेंगे तो टाइम कितना लग रहा है 9:3/8 यानी 8/72 = 75/8 आवर, कितना लग रहा है 75/8 आवर। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल साफ हो चुका है यहां तक आते आते, छोटे टैप से इस टैंक को भरने में 1 आवर, बड़ी डायमीटर वाला टैप से इस टैंक को भरने में 1 माइनस 10 आवर और जब दोनों नल साथ चलता हो तो 75/8 घंटा लगता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टैंक फिल्ड बाय अ स्मॉलर टैप इन 1 आवर प्लस टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन
ओवर एन आवर इक्वल टू छोटे नल से एक घंटा में कितना पानी भरा जाएगा और बड़े नल से एक घंटा में कितना पानी भरा जाएगा, वही चीज यदि दोनों नल साथ चलेगा एक घंटा तो जितना पानी भरेगा वह बराबर होगा। यानी कह सकते हैं टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप्स इन वन आवर। देखिए कैसे इक्वेशन बनाया गया, छोटे नल से एक घंटा में जो पानी भरा जाएगा प्लस बड़े नल से जो एक घंटा में पानी भरा जाएगा, यदि दोनों को ऐड किया जाए तो वह जो वॉल्यूम होगा वह किसके बराबर होगा, दोनों नल को एक साथ चालू रखने पर एक घंटा में जितना पानी भरेगा उसके बराबर होगा। और जैसा कि हमने टाइम एंड वर्क में आपको बता चुके हैं, आइए थोड़ा सा उसे रिकॉल करते हैं कि यदि जैसे टाइम एंड वर्क में क्या बताया गया है कि यदि राम को कोई काम करने में 10 दिन लगता है, राम को कोई काम करने में 10 दिन लगता है तो एक दिन में कितना राम काम करेगा, 1/10 करेगा। ठीक उसी तरह से यदि किसी टैंक को एक नल को भरने में 15 घंटा लग रहा है तो एक घंटा में कितना भरेगा, 1/15 क्या भरेगा, 1/15। तो सेम है, तो स्मॉलर टैंक द्वारा एक घंटा में कितना भरा जाएगा तो 1/x प्लस लार्जर से एक घंटा में कितना भरा जाएगा तो 1/x-10 इक्वल टू दोनों टैप साथ चलेगा तो एक घंटा में कितना काम करेगा तो 1/75/8। देखिए इसी बात को समझना है, पूरे काम करने में यदि x घंटा लग रहा है तो एक घंटा में कितना काम होगा, 1/x। यह कंसेप्ट है, इसे डिटेल में हम टाइम एंड वर्क में बताए हैं। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। अभी क्या हो गया, x into x-10। अब x से x कैंसिल हो गया यानी x-10 प्लस x-10 कैंसिल हो गया तो x में 1 से मल्टीप्लाई किया x इक्वल टू, अब यह क्या होगा रिवर्स हो जाएगा यानी 8/75 हो गया। अभी क्या बन गया हमारा x और x 2x आ गया माइनस 10/10 इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए x² - 10x इक्वल टू 8/75। अब इसे कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 से इसे गुना करेंगे तो 75 × 150 एक्स माइनस ये 10 से गुना करेंगे 750 इक्वल टू, अब 8 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन गया 8x² - 80x बन गया जो फाइनल इक्वेशन बना 8x². अभी -80 और -150 कितना हो गया 50 200 230 -230x और यह क्या होगा प्लस 750 इक्वल टू 0। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करना है तो देखिए इसमें काफी बड़ा डिजिट है इसलिए इसको फॉर्मूले के मदद से हम ब्रेक कर लेते हैं, फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम होगा तो इसे हम फॉर्मूले के मदद से ब्रेक करते हैं। तो इसलिए जो रूट्स इसके होंगे वो क्या होगा -b + -b² - 4ac√2a। आइए अब b के स्थान पर क्या है, b के स्थान पर 230 -230 है यानी -(-230) प्लस माइनस b² यानी -230² माइनस 4 × a। a के स्थान पर क्या है 8 है, c के स्थान पर क्या है 750 इसे अंडर रूट में डाल देते हैं √2a 2 × a के स्थान पर क्या है 8 है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस क्या प्लस हो गया 230 प्लस माइनस, अब देखिए 23 × 5 = 29 तो 529 और 1 0 का 2 0 ये आ गया और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो चार से करेंगे तो क्या होगा, 300 ये हो जाएगा, यानी 3000 और 24000 ए आ गया, डिवाइडेड बाय 8 × 16। अब क्या हो गया, 230 प्लस माइनस, अब इसे जब आप माइनस करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य माइनस हो गया 0, 9 में से 0 चला गया 9 हो गया, और 2 तो 12, 12 में से 4 चला गया 8 × 4 = 12, 4 में से 2 चला गया 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 16। अब देखिए ये क्या हो गया, 230 प्लस माइनस, ये कितना का स्क्वायर है, 289, 17 का, 17 हाँ 2 × 9 = 17, यानी 17 ये आ गया, और डबल शून्य के लिए 1 शून्य डिवाइडेड बाय 16, यानी अब यहां से हम दो आंसर निकाल सकते हैं, एक प्लस लेकर चलेंगे और एक माइनस लेकर चलेंगे। तो पहला कंडीशन में चलते हैं, 230 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 16, तो क्या बनता है हमारा, 0, 70 और 30 100 ये हो गया, और ये 400 हो गया, 400 / 16 यानी 25। करने का मतलब कि पहली स्थिति अगर प्लस लेके चलते हैं तो हमें टाइम कितना मिलता है, जो कि छोटे टैग के लिए माने थे 25 आवर मिलता है। सेकंड सिचुएशन में चलते हैं तो क्या है, माइनस लेके चलेंगे, 230 माइनस 170 डिवाइडेड बाय 16, 60 / 16 3.75, या यूं रहने दे। तो इसमें देख रहे हैं कि एक स्थिति में टाइम 25 आवर आ रहा है और दूसरी स्थिति में 3.75 आ रहा है। तो जो हमने टाइम लिया था स्मॉलर के लिए क्या माना था, एक्स माना था, इसलिए इफ एक्स इक्वल टू 25 आवर, एक्स इक्वल टू 25 आवर, इसलिए टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब के लिए क्या था, एक्स इक्वल टू 25 आवर, और टाइम टेकन बाय लार्जर टैब, लार्जर टैब, तो लार्जर टैब का कितना था टाइम, एक्स माइनस 10, 10 घंटा क्या लगना था, कम लगना था, यानी 25 माइनस 10 यानी 15 आवर, एक कंडीशन में यह आंसर आता है। दूसरी सिचुएशन, यदि एक्स का वैल्यू हम 3.75 लें, क्या लें, इफ एक्स इक्वल टू 3.75 आवर, तब क्या होगा, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप एक्स इक्वल टू 3.75 आवर, लेकिन टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, लार्जर टैप से जो टाइम होगा वह क्या होगा, एक्स माइनस 10। अब देखिए यहां पे कंडीशन क्या आ गया, एक्स माइनस 10 यानी 3.75 माइनस 10 यानी जो वैल्यू आ रहा है वह क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, और टाइम कभी भी इस केस में निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी यह जो वैल्यू है यह लॉजिकली वैल्यू सही नहीं है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड एज टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर होगा वह क्या होगा, 25 घंटा और 15 घंटा, यह हमारा फाइनल आंसर होगा।